सब कुछ है दुनिया में, क्या चाहिए? आप कैसे भी कलर का हो, हाइट हो, कम हो, काला हो, गोरा हो, राइट? मेरे को कैसे दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? काला मतलब कलर की बात कर रहा हूँ, काला गोरा ऐसे नहीं देख रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, काला हो, गोरा हो, कैसे भी हो, लेकिन एक सर ऐसे थोड़ी देख मुझे ऐसा लगा यार, मेरे अंदर ऐसा लगता है। हाँ ठीक, तो कैसे भी हो आप, लंबा छोटा अड्डा दड्डा बॉडी कुछ भी है, लेकिन एक स्माइल फेस पे नहीं ना, पूरा खत्म कर देता, ठीक है? स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अपना चेहरा को एकदम बढ़िया बना देता है। मैं मेरा मोबाइल पे लिख के रखता हूँ कि भूल जाता हूँ कि स्माइल क्यों से था, अभी मोबाइल लिख दो यार इसमें, ठीक है? क्योंकि मैं कोई सीरियस काम करते रहता ना, मेरी बेटी या वाइफ आके बोलते हैं ऐसा चेहरा क्यों रखते हैं, मेरे लोग फोटो निकाल के देख रहे हैं, मुझे भी देखने को डर लगता है। हम लोग कुछ काम में लगे रहते ना, मैं दुनिया को बताता हूँ स्माइल करो, लेकिन मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो स्माइल इतना बढ़िया चीज़ है, हमेशा एक स्माइल रखना चाहिए, लेकिन कंडीशन से अप्लाई है, कहाँ पे कैसे स्माइल करने का, लफड़ा मेरे को मेरे पास नहीं आने का, आपने मैंने स्माइल स्माइल हाँ स्माइल में फर्क होता है, हर जगह स्माइल एक लाइट स्माइल होता है, एक हार्ड स्माइल होगा, तो वो स्माइल आपको रखना जरूरी है। तो कोशिश करिए कहाँ पे, और स्माइल से क्या क्या, हाँ यार स्माइल से क्या क्या फायदा होगा, हाँ बहुत सारे काम हो सकते हैं अपना, है ना? एक स्माइल कोई एक शादी पे है, मतलब हम लोग हॉल में एंट्री करते हैं, देखो उन्होंने लाख डेढ़ लाख रुपए का ड्रेस पेस सब पहना है, राइट? ऑर्नमेंट नेकलेस लेना, लेकिन फेस में स्माइल लेना पूरा खत्म कर रहा है। और एक छोटी सी गरीब लड़की कुछ भी है, हाँ। स्माइल करके खड़े रहते हैं, आप ऐसे दिल छू देते हैं, राइट? ऑलवेज लुक सीरियस, ऑलवेज लुक सीरियस, सो नेवर डू दैट। एक स्माइल के लिए खड़े हैं, हाँ, क्योंकि जबरदस्ती ऐसे स्माइल करना पड़ता है ना यार, फ्लाइट से आप जैसे बाहर निकलोगे, उन लोग 100-150 जन को बताना पड़ेगा, थैंक यू सर विजिट अगेन, थैंक यू सर विजिट, बोलते 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 थक जाएगा उनका, ऐसा वो नेचुरल नहीं होता है। शादी में वैसे आइए आइए, कितना लोगों को पूरा दुखता है ना स्माइल करते करते। एनीवे पॉइंट इज दैट ऑलवेज स्माइल, आप उससे अट्रैक्ट हो, जितना भी ड्रेस है नहीं है, एक स्माइल खत्म कर देता है, राइट? ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मुझे एक दरभंगा से कॉल आया कि आपका बहुत बढ़िया आपका ट्रेनिंग मुझे आज भी याद है। मैं बोला यार 3 साल पहले मैंने ट्रेनिंग दिया था, हाँ सर आपने बढ़िया याद किया, अच्छा मुझे ये बताओ मेरे ऐसा क्या पॉइंट्स है आज भी तुम्हें याद है? बोला नहीं सर आप स्माइल दे के ट्रेनिंग देते हो, वो याद है। तो मुझे एक अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, अच्छी बात है ना। हाँ मेरा ट्रेनिंग कुछ याद नहीं है उसको, लेकिन मेरा स्माइल याद है, जो बात करने का टाइम करता हूँ ट्रेनिंग भी याद है। हाँ तो कॉन्वर्सेशन में एक स्माइल रखना बहुत जरूरी है, उसे एक बढ़िया फील होता है। ठीक है आधा घंटा और है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग क्या है, स्माइल में दो तरह का होता है, एक हम लोग इधर स्माइल करते हैं और दूसरा पूरा आंखों से स्माइल करते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो वाला डेंजर है, डेंजर है। नहीं नहीं मैं वो डेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, दिल से जो अभी हाँ बेवजह कोई आ गया अंदर, राइट? आप उनको पसंद नहीं करते हो, लेकिन सामने मिल गया आपको हंसी तो नहीं आ रही है, लेकिन आप हंसोगे, राइट? ऐसा जबरदस्ती एक ऐसे ले, आप उनको पसंद नहीं करते हो, इतना गुस्से भी हो, लेकिन आप किधर हंसोगे? ऐसा हंसना ही है, उनको थोड़ा बुरा लगेगा इसके लिए, मतलब एक हंसी हो गया। हम लोग इसके नीचे जो है ना हमेशा इसको कैसे भी घुमा फिरा सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में है, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है। रियल स्माइल आपको आंखों से करना चाहिए, आंखों से ऐसा ऐसा कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक फ्रेश फेस में लगना चाहिए कि दिल से हंस रहे आप किसी से बात करने के टाइम समझो उनका चेहरा देखे मालूम पड़ेगा दिल से हंस रहा है कि ये खाली नाटक कर रहा है ना, चुप हो जाने, तो ये क्या हंसी है भाई, सही है ना? ऐसा हंसते हैं फिर ठीक है, कैसा हो गया? नाइस वेरी गुड। सो सेकंड होता है दिल से फेस से कंप्लीट हंसना, ये दोनों अच्छा होता है। सो कोशिश करिएगा अपना दिल से हंसने के लिए, पता चल जाता है ना, तो हंसी में भी इतना डेंजर है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, आपका इमेज बढ़ेगा। कभी भी कोई गुस्से में आता ना एक स्माइल करके, ओके मैडम बैठे क्या प्रॉब्लम है आपको, एक स्माइल करो खत्म, हंसना नहीं है और फिर वो गुस्सा आ जाएगा उसको, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट? एनीवे
सो दैट स्माइल एंड सेकेंड लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड में सिंपल ये होता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, फिर भी एक का गुस्सा दूसरे पे मत उतारने का. बीवी का घर पे कुछ गुस्सा है, इधर आके उतारने का, इधर का गुस्सा घर पे जाके नहीं करना, या पहले के कस्टमर दिमाग खराब करके या दूसरे कस्टमर में उतारने का. तो समझ रहे हम, वो चीज़ को हो गया खत्म, फिर पॉजिटिव राइट. मैंने कल हम लोग दोनों इधर गए थे अपना आरती ऑफिस के बाजू में एक मीटिंग था, उधर गए थे हम लोग. जैसे मैंने टर्न मारा, मुझे मालूम नहीं वो स्क्वायर एक गड्ढा है ना, वो पूरा गड्ढा था, गाड़ी टॉक करके गिरा, आगे का पूरा व्हील अंदर और गाड़ी का जो पीछे जो है ना उसको क्या बोलते हैं पंपर वंपर, वो पूरा ऊपर आ गया. वो बोला गाड़ी अभी एक्सीडेंट हो गया, अभी 50-60 हज़ार रुपये कैसे हो. मैं ऐसा हाँ हो गया, बोला अरे गिर गया, वेरी गुड वेरी गुड. मैं ऐसा हंस रहा हूँ, पीछे वाले बोले तो आदमी के पागल है यार. बोले क्या हो गया, इसमें क्या, चलो उठो. फिर मैं उठ के बाहर आया, कितने कितना गिर रहे, अरे पूरा गड्ढे में गया. ठीक है, इतना में आजू बाजू वाले सब सोसाइटी वाले भाग, सिक्योरिटी वाले सब भाग गया है. बोला ऐसा उठा, उन लोग सब टेंशन में आए, बोलते क्यों टेंशन में भाई. फिर पीछे आया, फिर उन लोग ने एक दो तीन चार जन उठा के उठा, मैंने रिवर्स गियर डाला, फटक से आ गया. उतने में उसने एक दबाया, गाड़ी सेट हो गया. बोले यार पता नहीं वो कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ दबाने से हो गया. बोला कुछ नहीं, उधर का गुस्सा उधर ही खत्म, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट लेने जा रहा हूँ, मेरा 1.5 लाख का ऑर्डर मिलेगा, 1.5 लाख का अपॉइंटमेंट करना, ये टेंशन लेके मैं वहाँ जाऊँगा ना, 1.5 लाख मेरा हाथ से निकल जाए. सो वेरी वेरी पॉजिटिव ऑलवेज, जितना भी लफड़ा होता है बी पॉजिटिव. अपने अंदर से एक खरेज जो है ना, एक हिम्मत हो खोनानी चाहिए, क्योंकि आज ये खराब हुआ चले दो, ये खराब हुआ जाने दो, लेकिन एक दिन तो मेरा इतना फटी पड़ी थी ना, सुबह से 7 बैड न्यूज, इतना लफड़ा, ये टेंशन वो टेंशन, वो पैसा गया, ये पैसा गया, इधर बर्बाद हो गया, तुम इधर फंस गया. मैं सच में रोने आ रहा था, सच में इतना बुरा दिन मैंने कभी देखा. और सुबह 7-8 बजे एक न्यूज़ आया, फर्स्ट न्यूज़ आया, गुड न्यूज़ आया. ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया, तुरंत मैंने एक वीडियो बनाया, फिर यूट्यूब में भी है, सिंपल. लेकिन इतना है कि आपका हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए, कुछ भी होने दो, लेकिन आपकी तरफ से जो पॉजिटिविटी हमेशा रखना चाहिए, दैट्स व्हाट आई मीन टू से. करेक्ट, ये अपना जॉब में बहुत जरूरी है, क्योंकि नाराज होना, टेंशन होना, एक फैमिली में देखता हूँ, वो फैमिली में कभी किसी ने एक दूसरे से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा, यार इधर किधर रखा है, वो उधर रखा है, अरे ये क्या फैमिली है, चिल्लम चिल्ली. वो उनको कभी मैंने प्यार से मजाक करते हुए ऐसा करते हुए देखा नहीं. ये फैमिली कल्चर कैसा करते हैं, ये तो हमारे घर पे माँ बहन भाई सबको भेजता है, ये साला को नहीं ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि बहन भाई सबको एक हंसी मजाक, एक कल्चर ऐसा, हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है. अपना ऑफिस में भी पॉजिटिव होना जरूरी है. अभी हमारा कंपनी में हम लोग 7 जन हैं, सबको बोला गया कि 10 बजे मतलब 10 बजे, क्योंकि उसका वैल्यू होगा राइट. एक बार किसी को कुछ कमिटमेंट नहीं से उसका वैल्यू समझ लो, ऐसा करे बात. एनीवे सो क्लियर, एक का गुस्सा एक के ऊपर नहीं निकालना, हमें से पॉजिटिव एक फील रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट चलते हम लोग, बहुत सारे मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करना, थोड़ा सा ह्यूमर रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक हंसी मजाक थोड़ा सा है ना, और सामने लोग गुस्सा नहीं आना चाहिए. ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी आप देखेंगे, हमेशा जो हंसी मजाक करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है. हाँ, लेकिन जॉब में सीरियस होना जरूरी है, किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, अपने मजाक अपने ऊपर करो और अच्छा लगेगा उनको. एक ह्यूमर रखिएगा तो कितना भी टेंशन है वो दूर हो जाएगा. अग्री विद मी सर, थोड़ा सा एक जोक होना चाहिए, थोड़ा सा एक जरूरी है ह्यूमर. देखिए टेंशन कितना सीरियस होंगे लाइफ में यार, बराबर. तो एक थोड़ा सा एक हंसी मजाक होना जरूरी है. नेक्स्ट टाइम मुझे कमिटमेंट है, मैंने अभी बात किया, जो हम लोग वादा करते हैं उसको निभाना जरूरी है. मैं सिंपल एक ही बोलता हूँ, हम लोग हमारे शब्द में वैल्यू नहीं देते हैं तो बाकी कोई अपना शब्द में वैल्यू क्या देते हैं राइट. हम लोग जो बात करते हैं हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं तो बाकी लोग वैल्यू नहीं देगा. तो मेक श्योर कि कमिटमेंट का है. ये सब हो गया हम लोग टॉपिक ऑलरेडी, मैं आगे जाता हूँ. किसी जो सामने दिखता ना वो इतना ही दिखता है ना, और नीचे होगा क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है मुझे पता नहीं है, मेरा बैकग्राउंड क्या है पता नहीं, मैं कैसे आया हूँ, मेरा फैमिली क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, क्या सही गलत जो भी है वो सब चीज़ हो. ये सामने जो कस्टमर रहेगा मालूम नहीं पड़ेगा कि वो किस तरह का सोच रहे हैं क्या है ना. जो भी दिखता है सिर्फ 10% दिखता है, नीचे जो है पूरा उनका एटीट्यूड रहता है. एटीट्यूड जैसे कि वो किस चीज़ को मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, हर एक का मानने का अलग अलग है. जिसको मानते हैं कुछ लोग, उसको मानते हैं कुछ लोग, जिसको मानते नहीं है उसके ऊपर उनका बिहेवियर रहेगा, उनका स्टैंडर्ड होगा, सही गलत मानते हैं ये सही है ये गलत है, इसके ऊपर उनका विचार हैबिट्स वगैरह रहेगा, उसके ऊपर आपको बिहेव करना चाहिए राइट. ठीक है, ये सब हो गया. थोड़ा सा हॉनेस्टी होना जरूरी है. मैं सिर्फ कुछ लोग एकदम मस्त दिखते हैं लेकिन मुँह खोला तो
पूरा झूठ, कुछ अलग अलग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि झूठ मत बोलना, मैंने ये बोलूंगा कि झूठ बोलना कम करना, जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अपना इमेज उससे बढ़ता है, उससे भी बहुत काम हो जाता है, काम हो जाता है, लेकिन उस समय हो जाता है, बाद में बोलना जरूरी हो जाता है। हाँ, फिर बात झूठ बोलने के लिए आपको ये ताकत चाहिए कि बहुत मेमोरी पावर चाहिए। आपने एक महीना पहले क्या झूठ बोला था? लेकिन वो बहुत कम करो, बहुत कम करो, क्योंकि इधर एक आपने बोला दो दिन के बाद कोई पूछता तो बोलता अलग, क्योंकि याद नहीं ना किसको क्या बोला। इसे सबसे बेस्ट है उस समय थोड़ा हिम्मत ले लो और बोल दो, सच बोल दो, सच बोल दो। मैं कोई उनको बोलता 12 बजे आता हूँ, इधर निकलते ही 12 बजे डर लगता है ना, कुछ नहीं होता, उतना कुछ नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट उस आदमी को भरोसा जाएगा, ये बोलेगा तो सही बोलता है, कुछ नहीं होता। मैं उनको बोला कि 12 बजे आऊंगा, तो मैं यहाँ से निकला ही 12 बजे, उनको बोला और 1 घंटा लगेगा मुझे, क्या बात कर रहे हो, हाँ सच बोलना जरूरी है, अभी तो बुरा लगेगा लेकिन सच यही है ना, एक बार सच बोल देना। क्योंकि सिर्फ दिखने में मैं ग्रूमिंग सिर्फ दिखने में नहीं जाता, नेल काटो ये काटो ना हो शेविंग करो उसमें नहीं, लेकिन अंदर का एक आत्मा भी सामने वाले को लगना चाहिए कि बहुत प्योर है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी। अभी तक मेरी बेटी मेरे घर के किसी भी उनके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मुझे कोई पकड़ के जबरदस्ती झूठ बोला देना बोलता मेरे घर पे ये सब नहीं चलेगा, मेक श्योर कि हमेशा सच बोला, पकड़ लेते हैं ना, सेकंड घर पे ना बोलते बेटे बच्चे को बोलते जाके बोलते पापा नहीं है, तो क्या सिखाते हो आप उसको, उसको याद आएगा अच्छा ऐसा बोल सकते हैं क्या, वो आपसे जरूर बोलेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि झूठ नहीं बोलना है, जिससे अपना इमेज बढ़ता है। मैं नहीं बोलता हूँ हर जगह पे, क्योंकि कस्टमर्स को खुश करने के लिए कभी बोलना पड़ता है, इनको ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आप हमेशा बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है, जरूर नहीं है ज्यादातर थोड़ा भी चलता है, लेकिन लेकिन बाद में पता चलेगा क्या है। अग्री, राइट? सो मेक श्योर कि आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ डील करो, ये आपको देख के एक इमेज बनता है कि यार ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, आप बंद करके इसके पीछे जा सकते हैं, ट्रस्ट फीलिंग होगा, राइट? ओके, अलर्टनेस हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया, आई मीन किधर किसके पास बात कर रहे हैं, क्या है आगे क्या होगा, ये अलर्टनेस बहुत जरूरी है। और जब भी बात करते हैं एक बार एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए, और दैट्स वन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कोई डिसेंट है उनको कैसे पता चलता है, मतलब है पेशेंस में मालूम पड़ता है, पेशेंस में मतलब वो कभी एक बार बैठे तो बैठते हैं आराम से बात करते हैं लाइन पे, अब टिकट काउंटर में देखेंगे इधर गया, इधर 4 जने हैं, इधर 3 जने हैं, तो ये 4 जन जुड़ के इधर भागे जाए, राइट? जैसे आगे गया फिर वो लंच टाइम ऐसा लिखता है, फिर वो किधर भागो उधर भागेगा, राइट? मतलब एक पेशेंस होना, मैं जल्दी जल्दी जाने के टाइम में नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक पेशेंस मैंने इनके पास बहुत देखा है, पल सर के एकदम शांत, इतना भागम है इधर करने का, पहले ये लो फिर वो लो, ठीक है ना, एक इनके साथ मैं हमेशा आता हूँ, एक जो ना ये सब उनसे सीखना पड़ेगा, ये जो पेशेंस ही है ना, पेशेंस बहुत जरूरी है, तुम कितना भी ट्रेनिंग का अप्रिसिएशन बहुत है। नहीं नहीं वो तो मेरा भी गुरु है ना, लोग बोलते हैं हमको यही चाहिए, सो दैट्स या एग्री, अप्रिशिएशन बहुत है, बहुत सो समथिंग, इनका पेशेंस है, इनका मैच्योरिटी है ना, बहुत ऊपर नीचे बाप सबको देखे होंगे, राइट? तुम कितना बड़ा आदमी सेट को जाओ बैठो हो रहा, राइट? वो जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अपना इज्जत, अपना जो वैल्यू, अपने ऊपर इमेज है, ये बढ़ता है, राइट? सो जैसे ही मैंने एक बार दादर से वडाला तक बस में गया था, बस में आके एक लड़की मेरे बाजू में बैठी थी, राइट? और चलते 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 पूरा बस खाली हो गया, और मैं कंडक्टर और लड़की मेरे बाजू में बैठी, मेरे को एकदम शॉक लगा, मेरे को भी तारीफ करना पड़ेगा, तो वो बेटी कैसे बोली, उनका पेशेंस आप देखो, राइट? यही छोटा बड़ा इधर से उधर भागना, उधर से इधर भागना, अरे उधर इंटरसिटी मिल गया, उधर ये इधर इंटरसिटी मिल गया, है ना, ऐसा पेशेंस हर जगह पे, होटल पे आके बैठे खाना खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मालूम है उधर लिखा है 20 मिनट लगेगा ऑर्डर देने के लिए, राइट? तो हम लोग ने ऑर्डर दे दिया, 5 मिनट बाद इतना टाइम हो गया, रे नहीं ये सब ऐसा करना, ये सब पेशेंस में काउंट नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार हो गया ना, ठीक है बैठो ना, 2 मिनट में आएगा, क्या है, अच्छा बराबर 20 मिनट नहीं हुआ, फिर लोग क्या हुआ और लेट लगेगा, ऐसा पूछ के बताओ, ये सब इसमें भी आपका इमेज मालूम पड़ता है कि आप कितना डिसेंट हो, आप कितना गुड हो, ये मालूम पड़ता है, राइट? सो पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार हम लोग इसको रेकअप करेंगे,
ओके अभी इसके साथ ये सेशन खत्म हुआ। कॉम्प्लीमेंटिंग, आज मुझे बताइए या कल कितना लोग ने कितना जन को कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को तारीफ किया आपने, मुझे कल का दिन बताया। आज तो अभी मॉर्निंग स्टार्ट है, विद इन आवर्स ऑफिस में, घर पे, बाहर कहीं पे भी दिया किसी को आपने कल कुछ है ना। बराबर मैडम को दिया था, उसका मुझे सुनना पड़ रहा है देखिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट में कितना पुअर है, राइट। आपको कोई तारीफ करता अच्छा लगता? अभी सर मैंने सर को तारीफ किया, मैंने सामने से बोला थैंक यू, आपने मुझे तारीफ किया, राइट, अच्छा लगा सर आपको? अच्छा लगा, आपने सही बात बोला, मुझे सही लगा। हाँ सही अच्छा लगा, राइट, मैंने बाल सर मजाक जैसा नहीं लगा। हाँ तो सीरियस लगा, मैं जो फैक्ट है फैक्ट बताओ। हाँ कॉम्प्लीमेंट में फैक्ट बोलना जरूरी है, किसी को चढ़ाना आप कितना बोरे दिखते हो, ऐसा कोई मुझे बोलेगा तो ये क्या चाहिए तेरे को, ऐसा नहीं। वेरी गुड, ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। माई पॉइंट इज दैट दिन में आप मान के चलो कि रोज मैं 5 दिन को कॉम्प्लीमेंट दूंगा, जरूरी नहीं हूँ आपके ऑफिस वाले बाजू वाले, राइट। मजा करते हैं हम लोग, मजा करते हैं, एक बार वो खोल के तो बोल दो, अरे शर्मा ने कहा हाँ इसको बोलेंगे ठीक है। अच्छा एक ट्रायल करते हैं, आज इधर एक दो कॉम्प्लीमेंट आपने सामने दे दिएगा, कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है क्योंकि आदमी प्लेजेंट इसलिए करता है, लोग बहुत पसंद करते हैं जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सही है गलत? एनी कॉम्प्लीमेंट, ऑफिशियल कॉम्प्लीमेंट, नाइसली ड्रेस्ड करके, ओह वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर, राइट, अरे टाइम पे आया, वेरी गुड, तो शॉक हो गया, बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यस, नहीं आई वॉन्ट एवरीबडी टू गिव वन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो दिखता है आप अभी करिएगा, यस। नाली मैम ने दे दिया, और फटाफट कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। मेरा कॉम्प्लीमेंट एक अनुभव सर है, हम लोग का जो मिसकम्युनिकेशन होता था आपस में स्टाफ का, उसके लिए ग्रुप बना है, लेकिन उस ग्रुप में कोई यूज नहीं, अभी 2-3 दिन पहले अगर सबको बोला कि इसको क्या मैसेज देना ग्रुप पे दो ताकि सबको मालूम पड़े, अगर उस चीज में वो नहीं हुआ तो मैडम से बात करेंगे, बराबर है, लेकिन अंजुनी सर का भी जो भी मैसेज है तो पूरा ग्रुप में आता है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट, ग्रेट, ओके ग्रेट, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, अभी दूसरा कॉम्प्लीमेंट, चलो कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू अनुज, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लेना भी जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट दे भी सकते आप, चलो चलो फटाफट, उसके बाद कस्टमर आएगा, तो उसके बाद जवाब तैयार है, अनुज भैया को जब भी बुलाती हैं आपके किसी भी चीज के लिए हो जाता है, मतलब ये सॉल्व करने में आई कौन सा भी सिचुएशन है ना वो इस्तेमाल ही करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते वो आ जाएगा अभी अभी तो ग्रेट नाइस नाइस नेक्स्ट नेक्स्ट अभी खत्म करते हैं एंड वेरी गुड एफिशिएंट बॉय वेरी गुड एग्री आई पर्सनली वी शुड कंटिन्यू अभी जो सॉफ्टवेयर आई हैव गिवन माय एडवाइस टू आल्सो आप सबने पढ़ा होगा टू अटेंड द मीटिंग एंड व्हाई यू शुड अटेंड द मीटिंग तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि इन्होंने आगे वेरी गुड वेरी गुड नाइस 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 यस यस और फटाफट यस यस थैंक यू कॉम्प्लीमेंट का थैंक यू मिली और नेक्स्ट अरे अनुज भैया के बारे में बोलती है ये भी इनका भी काम अच्छा चल रहा है रंजित भाई ओके या रंजित भाई ओके दैट्स ग्रेट थैंक यू वेरी गुड सीरियस है और एकदम मैडम से कंप्लेंट करती है
हंसी में भी मजाक में भी और वेरी गुड वेरी गुड मैडम को कॉम्प्लीमेंट हो गया ओके यस सुमित सर बोलिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ओके कितना घंटा काम करता है क्या मैं देखती नहीं हूँ लेकिन सब जितना भी कुछ हो रहा है वो अच्छे तरह से take the thing seriously. I mean, nobody is watching me. मैं 5 बजे जाऊँ 6 बजे जाऊँ that is not my attitude. मेरे को 5 मिनट भी लेट होता है ना मेरे को पिंच होता है रास्ते में अरे लेट हो गया तो जरूरी when मैडम नहीं मैडम आप विश्वास करते हैं तो मेरा फर्ज है उसको निभाने का यही बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का आपस सर का आपस यस यस एकदम फॉर्मली एक मैसेज आना ये वेरी गुड आई वांट टू गिव वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट टू अब आप बोले ना बोलो बोलो मैं सोच के बोलता हूँ ना हाँ बोलिए वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट टू मैडम शी ऑफ यू हाँ ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाइस नाइस कॉम्प्लीमेंट तो ये टीम को आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वेरी गुड नाइस वेरी गुड यस सर कॉम्प्लीमेंट तो सुरेश सर आज हाँ ओके आपको नहीं दूंगा नहीं दीजिए दीजिए कोई बात नहीं किसको अच्छा नहीं लगता लाइक योर ट्रेनिंग टू मच एंड आई एवरीवन शुड फॉलो दैट इज फॉर देयर बेनिफिट आई लाइक इट सो मच प्लीज मेंटेन या श्योर श्योर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस मैम सब लोग अच्छे हैं यहां पर